आदाब, खैर मकदम है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेज़बान सिमरन सिंह और आप सभी दर्शक हमारा यह विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 3 पर। हमसे राबता करने का एक और ज़रिया है, आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल यानी एनसीईआरटी ऑफिशियल। और अगले आधे घंटे के लिए उर्दू का ये सत्र हम लेकर आए हैं तीसरी जमात के तलबा के लिए। और आज का जो उनवान है वो है अरुणा आसिफ अली। तो मुझे उम्मीद है कि अरुणा आसिफ अली, नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये किस्से कहानियाँ भी इनसे जुड़े हुए आपने सुने होंगे। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और हम इनके जीवन से बहुत सी सीख ले सकते हैं, इसलिए आज का ये पाठ, ये सबक बहुत अहम है। और इससे पहले कि आपका तारुफ़ कराएँ हमारी गेस्ट से, एक विशेष जानकारी G20 से जुड़ी हुई आप सभी के लिए। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in this year, that's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G20 presidency is a watershed moment in her history, as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or should I say, the world is one family. तो चलिए फिर से रुक करते हैं उर्दू के इस सत्र की और आपका परिचय कराते हैं मिस शहनाज रहमान जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस्तकबाल। मैम साहित्य युवा विनर राइटर हैं अलीगढ़ से, और दर्शकों इस पूरे सबक के दौरान यदि ऐसे कोई भी सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं या हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800440559। और तीसरी जमात के तलबा के लिए हमारी आधिकारिक मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर dth.class3@cieet.nic.in। तो बिना विलंब करें चले इसकी शुरुआत करते हैं सत्र की, और सीधा शहनाज मैम से जानते हैं कि आज अरुणा आसिफ अली इस सबक में हम क्या जानने वाले हैं, ये जो शख्सियत है इसके बारे में हमारे दर्शकों को और बताएं। जी, अरुणा आसिफ अली के हमारे लिए जो है इस वक्त इनके मुताबिक जानना इसलिए अहम है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और लेडी होकर के, खातून होकर के उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ दुश्मनों के सामने या फिर जो है मुखालिफिन के सामने जो है डटकर मुकाबला किया, और उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा लगाया, जैसा कि इस सबक में हम अभी पढ़ेंगे और उनकी तमाम खुशियात के मुतालिक जान पाएंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं सबक। सबसे पहले हम सबक की रीडिंग कर लेते हैं। अरुणा आसिफ अली। दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक में एक जलसा हो रहा है, हजारों का मजमा है, जलसे में मर्द भी हैं और औरतें भी। एक साहिबा बीच में कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया था। तकरीर में कह रही थी कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया है, अंग्रेजी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है, हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। एक तरफ से शोर उठा, पुलिस आ गई। वो साहिबा कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। पुलिस उनकी तलाश में थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। उनको गिरफ्तार करने या गिरफ्तार कराने वाले के लिए 5000 रुपये का ऐलान था। ये साहिबा थी अरुणा आसिफ अली, कांग्रेस की बड़ी लीडर, आजादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन। अरुणा के माँ बाप बंगाली थे, वो हरियाणा में कालका के मुकाम पर रहते थे, वहीं 1919 में अरुणा पैदा हुई। बंगाली और खास तौर पर बंगाली ब्राह्मण मजहबी और सामाजिक मामलात में बहुत सख्त थे, औरतों को कोई आजादी हासिल ना थी, वो पर्दे में रहती थी, पढ़ लिख ना सकती थी। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे, उन्होंने बंगाल में एक जमात बनाई, ब्रह्मो समाज। ये रोशन ख्याल लोग थे, उनके यहाँ औरतों पर पाबंदियां ना थी, वो पढ़ लिख सकती थी, मुलाजमत भी कर सकती थी। अरुणा के बाप भी ब्रह्मो समाजी थे, अरुणा उसी माहौल में पली बढ़ी, उन्होंने तालीम हासिल की, बीए पास किया, कांग्रेस में काम करने लगी। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ अली से हुई, उन दोनों ने शादी कर ली। नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज थी, अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर टैक्स लगा दिया, उसके बनाने पर पाबंदी लगा दी,
गांधी जी ने डांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया, उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, सत्याग्रह हुआ। ये 1931 की बात है। अरुणा भी गिरफ्तार हुई लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार ना हुई, बाहर रहकर काम किया। आजादी मिलने के बाद अरुणा तालीम तदरीस की बेहतरी के काम में लग गई। उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। मेयर के ओहदे की मुद्दत खत्म हुई तो फिर औरतों के भलाई के काम में लग गई। 1997 में 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे और बड़े सामाजिक काम करने वालों को एक एजाज दिया जाता है जिसे भारत रत्न कहते हैं। अब तक जिन औरतों को ये एजाज मिला है उनके नाम हैं इनाम गांधी, मदर टेरेसा और अरुणा आसिफ अली। तो मैम अरुणा आसिफ अली एक बहुत बड़ा नाम है, इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज के सिनारियों में भी ये किस तरह से हमारे लिए एक आइडियल है। इस तरह वो हमारे लिए आइडियल हैं कि उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ लोगों को जोश दिलाया कि वो जो है एक साथ होकर के, एक साथ मिल करके और अपने मुल्क को बचाएं और अपने मुल्क में जो जुल्म और जबर है उस जुल्म और जबर को खत्म करें। तो इतने जमाने पहले की बात है और आज वुमेन एम्पावरमेंट की और फेमिनिज्म की बात हो रही है, तो ऐसे में जो है वो इतने जमाने पहले इतनी बहादुर थी, तो इसलिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडियल है। जी हाँ, और इस सबक से जुड़ी हुई कुछ मश्क भी हैं और जो हमारे मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मानी भी है हमारे सभी दर्शकों के लिए। मैं चाहूंगी उस पर भी हम रुक डालें। जी चलिए, तो अभी सबक में हमने जो मुश्किल अल्फाज देखे हैं उन अल्फाज की मानी जानने के लिए हम स्लाइड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें है लफ्ज आया है बाशिंदा, बाशिंदा के माने रहने वाला। मजमा, मजमा के माने है भीड़, हुजूम। अजीम है, अजीम के माने है बड़ा। एजाज, एजाज के माने खिताब, इनाम। अब इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जिस पर हमें कहा गया कि इस पर गौर कीजिए। अब इसमें गौर करने के लिए अल्फाज आए हैं तहरीक, तहरीक के किस, अब हमसे पूछा जाए कि तहरीक क्या होती है तो उसकी तफसील बताई गई है, किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए मिलजुल कर की गई कोशिश, इसे तहरीक कहते हैं। ब्रह्मो समाज आया है, ब्रह्मो समाज क्या था उसके बारे में जानने के लिए तफसील पेश की गई है। बंगाल के रोशन ख्याल लोगों की एक इस्लाह पसंद समाज। डांडी मार्च क्या था, नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी और उनके साथियों का डांडी मुकाम पर समंदर तक जाना। नमक सत्याग्रह, नमक कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। अब कुछ सवाल दिए गए हैं उसके लिए हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। इसमें है अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी, तो अभी हमने पढ़ा है कि टाउन दिल्ली के टाउन हॉल के सामने चांदनी चौक पे एक मजमा जम था और वहां पर कुर्सी पर खड़े होकर के अरुणा जी तकरीर कर रही थी। वो कुर्सी से कूद कर भीड़ में क्यों गायब हो गई, इसलिए कि उन्हें खबर दी गई थी कि पुलिस आ गई। अरुणा जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों में जोश पैदा किया कि इस ये तहरीक कायम करे और उस पर मुस्तहकम रहे, इसलिए उनको इसका हीरोइन कहा गया। भारत रत्न किन खवातीन को दिया गया है, अभी आपने पढ़ा कि भारत रत्न अरुणा आसिफ अली के अलावा इंदिरा गांधी को दिया गया और मदर टेरेसा को दिया गया। अब हमारा चौथी मशक है खाली जगहों को नीचे लिखे अल्फाज से भरिए। इंदिरा गांधी, गायब, बाशिंदा, लीडरों, इस्लाम, मदर टेरेसा, इन अल्फाज को नीचे फिल करना है। अंग्रेजी हुकूमत ने सब बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है, यहाँ का हर बाशिंदा लीडर है। अरुणा आसिफ अली कुर्सी से कूद कर भीड़ में गायब हो गई। राजा राम मोहन राय एक बड़े इस्लाह पसंद थे, अरुणा जी के अलावा इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न का एजाज मिला। पांचवी मशक है मुंदरजा ज़ेल में से हर एक के 4 जवाब दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब का निशान लगाइए। पहला सवाल है पुलिस ने अरुणा जी की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा था, इसमें पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा 50,000, तीसरा ऑप्शन है 1,000, पांचवा है चौथा है 5,00,000,
इसमें पहला पहला सही है, 5,000। दूसरा सवाल है, अंग्रेजी हुकूमत ने किस चीज पर टैक्स लगाया? इसमें पहला ऑप्शन है पानी पर, दूसरा हवा पर, तीसरा नमक पर, चौथा जमीन पर। तो नमक पर अंग्रेजी हुकूमत ने टैक्स लगाया था। ब्रह्मो समाज जमात किसने बनाई? गांधी जी ने, राजा राम मोहन राय ने, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। पढ़िए, समझिए और लिखिए, यह हमारी छठी मशक है और इसके लिए हमें स्लाइड नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। स्लाइड नंबर 4 देखिए आप। दिल्ली में एक जलसा हो रहा है, अरुणा आसिफ अली तकरीर कर रही हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया। ये 4 जुमले दिए गए हैं, ये 4 जुमले बिल्कुल सही हैं। ये हमारे हमारे सबक में आए हैं और बिल्कुल सही यहाँ पे हैं। अब इसके इसमें आए हुए अल्फाज के मुतालिक बताया जा रहा है। इन जुमलों में दिल्ली, अरुणा आसिफ अली, हिंदुस्तान, मुल्क, गांधी जी, समंदर और नमक, इसमें इसम यानी नाम है। दिल्ली एक खास शहर का नाम है, हर शहर को दिल्ली नहीं कहते। हिंदुस्तान एक खास मुल्क का नाम है, हर मुल्क को हिंदुस्तान नहीं कहते। समंदर कहने से कोई खास समंदर मुराद नहीं होता। इसी तरह जलसा और मुल्क कहने से कोई खास जलसा या मुल्क मुराद नहीं होता। जैसा कि हम उसमें नाउन प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इसमें जो नाम नाउन है और कुछ इसमें प्रोनाउन है। ऐसे इसमें जिनसे खास जगह या शख्स का नाम जाहिर हो, इसमें खास कहलाते हैं। जिस इसम से कोई आम जगह या शख्स का नाम जाहिर हो, उसे इसमें आम कहते हैं। अब ये आपको बता दिया गया है, इसलिए अब नीचे उसकी मश्क कराई जा रही है। नीचे लिखे हुए लफ्जों को खानों के मुताबिक लिखिए। दिल्ली, मर्द, टाउन हॉल, कुर्सी, औरत, चांदनी चौक, झंडा। हिंदुस्तान, लीडर, कालका, पुलिस, अरुणा, बंगाल, नमक, गांधी जी, इंदिरा गांधी, हरियाणा, रुपये, पानी, भारत रत्न, टैक्स। तो अब इन अल्फाज में से आपको बताना है कि इसमें इस्म कौन है और इसमें खास कौन है। अब दिल्ली, दिल्ली इसमें इसमें खास है क्योंकि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि क्या हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में दिल्ली सिर्फ एक ही है, इसलिए इसमें खास है। इसी तरह चांदनी चौक इनमें इसमें खास है, कालका इसमें इसमें खास है, गांधी जी, इंदिरा गांधी, ये सब इसमें खास हैं। और औरत, नमक, पानी, टैक्स, ये सब बस ऐसे ही नाम है नॉर्मल। जैसे कहते हम किसी चीज का नाम पूछते हैं कि फला चीज इसे क्या कहते हैं, ये आयरन है, ये बेड है, तो इसी तरह से इन लफ्जों को मिसाल के हम सातवीं मश्क हमारी है। इन लफ्जों को मिसाल के मुताबिक अलग अलग करके लिखिए। ये स्लाइड नंबर 5 पर आप आइए। मजमा, अब मजमा के अल्फाज को अलग अलग करके लिखिए। इसमें कितने अल्फाज से मिल करके ये लफ्ज बना है मजमा? मीम, जीम, मीम, ऐन, ये कुल 4 अल्फाज हैं। इसी तरह तकरीर है, तकरीर में ते, काफ, रे, ये अल्फाज आए हैं तकरीर में। फिर है हुकूमत, हुकूमत में हे, काफ, वाव, मीम, ते। तरीका, तरीका में तोए, रे, ये, काफ और हे। एजाज है, एजाज में अलिफ, आयन, रे, अलिफ, जे। तहरीक है, ते, हे, रे, ये, काफ। मामलात है, मामलात में मीम, आयन, अलिफ, मीम, लाम, अलिफ, ते। अब आठवीं मश्क है, सही लफ्ज चुनकर मुहावरा पूरा कीजिए। आपे से, अब खाली जगह है, आपे से बाहर होना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अंदर, बाहर, ऊपर। तो ये जो मुहावरा बोला जाता है, आपे से बाहर होना यानी बहुत ज्यादा गुस्से में होना। दूसरा है थककर चूर होना। यहाँ पे ऑप्शन है चूर, मूर, गूर। तो यहाँ पे जो लफ्ज आएगा वो चूर आएगा, थककर चूर होना। बाग, बाग होना, हम यही तो बोलते हैं, बाग बाग होना यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना। ऑप्शन यहाँ पे है होना, रोना, घूमना, तो यहाँ पे होगा बाग बाग होना। आंखें, 7, 4, 8, क्या हम बोलते हैं, आंखें चार करना। फिर है आंख चुराना, ऑप्शन में दिया गया है नाक, कान, आंख। यहाँ पे सही मुहावरा है आंख चुराना।
नमकीन करना, खट्टे करना, मीठे करना, मुहावरा क्या हम बोलते हैं, दांत खट्टे करना। हाथ पैर छाती पर पत्थर रखना, अब हम क्या बोलते हैं, छाती पर पत्थर रखना, बहुत मुश्किल काम अंजाम देना, मुश्किल काम के लिए लगा देना, उसके लिए कहते हैं छाती पर पत्थर रखना। अब यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उन तस्वीरों को पहचान करके नाम लिखना है। अब स्लाइड नंबर 6 की तरफ, 6 पे हम देखते हैं। इसमें पहली तस्वीर है गांधी जी, दूसरी तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू की, तीसरी तस्वीर है राजा राम मोहन राय की, चौथी तस्वीर है B.R. अम्बेडकर की, और पांचवी तस्वीर है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, और इसमें छठी तस्वीर है हसरत मोहानी की। अब ये हमारा सबक खत्म हुआ। अब इसके जो अहम पॉइंट्स है उसको याद रखने के लिए जरूरी है कि सबक को हम दोबारा पढ़ें और अरुणा आसिफ अली की जिंदगी और उनके जिंदगी के अहम कामों को याद रखें। बिल्कुल मैम, और जब हम उनके जीवन की बात करते हैं तो उनका जीवन जो है वो हमें मुल्क के प्रति मोहब्बत का पैगाम देता है। और ये पाठ ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि तीसरी जमात के तलबा के जो हमारे बच्चे हैं इब्तदाई उर्दू के, उनकी किताब में इसे शामिल किया गया है। तो जो छोटे बच्चे हैं, तीसरी जमात के तलबा है, वो कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि अपने देश से प्यार करना, अपने वतन या अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये क्या होता है? जी, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत का मतलब यही होता है कि उस पे मुल्क पर किसी तरह का भी कोई मुश्किल ना आने दें, उस पर अगर कोई गलत नज़र डाले तो उन नज़रों को हटाने के लिए हम अपनी जान और अपनी माल दौलत सब कुछ लगा दें। तो इसी तरह से जो है, जिस तरह अरुणा आसिफ अली ने जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर और क्या कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ परचम बुलंद किया, तो ये जज्बा हर हिंदुस्तानी के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं एक बार पुनः आपसे ये जानना चाहूँगी कि उनके जीवन से हमारे बच्चे क्या क्या सीख ले सकते हैं, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं। जी, उनसे हमारे बच्चे ख़ास तौर से लड़कियां जो हैं उनसे ये सीख ले सकती हैं कि जैसा कि इसमें कहा गया कि मतलब उस वक्त औरतों के तालीम पर पाबंदी थी और आज तो हम बहुत मतलब मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, तालीम पर कोई पाबंदी नहीं, हर कोई तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन जो है हमें देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि जिस तरह अरुणा जी ने अपने मुल्क के बच्चों के लिए, मुल्क की ख्वातीन के लिए कोशिश की और जो है अपनी ज़िंदगी जो है उनकी तालीम के लिए, उनको दानिशमंदी दिलाने के लिए जो है सर्फ कर दी, तो इसी तरह से जज्बा हमारे लिए भी एक दूसरे के तई होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक मुल्क में रहते हैं तो एक दूसरे के दिल में एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। और मैम, जब भी इस सबक को क्लासरूम में पढ़ाया जाए हमारे सभी बच्चों के लिए, तो किस तरह की एक जो पेडागॉजी है वो हमारे टीचर्स फॉलो करें, किस तरह से इसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के दिलों, उनके जहन में बैठ जाए? जी, ये बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने किया है कि किस तरह से जो है, तो इसके लिए जो है हमें ज़रूरी है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाएँ बच्चों के, आपस में कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं और जो है कि किस तरह से मतलब अभी छोटे छोटे क्लास 3 के बच्चे हैं तो उनको जो है देखें कि मतलब आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि कौन सा बच्चा जो है तालीम हासिल कर रहा है, कौन सा बच्चा तालीम हासिल नहीं कर रहा है। तो इस तरह बच्चे जो है एक दूसरों पर मतलब नज़र रखेंगे और फिर तालीम की तरफ लाने के लिए जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे मतलब गाँव में इस तरह से तालीम आम नहीं हुई है, तो ऐसे में कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम जो है तालीम हासिल करने की तरफ रागिब करें। बिल्कुल, क्योंकि ये सियासी रहनुमा होने के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट भी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पैगाम हमारा सत्र देकर गया है, ये सबक जो हमें सिखाता है, हमारे बच्चों ने ज़रूर समझा होगा और अपने जीवन में भी इस पर अमल करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस सत्र में। और दर्शकों, आज के उर्दू के सत्र में फ़िलहाल इतना ही, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक विशेष जानकारी NCERT की पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई ये जानकारी है आप सभी के लिए। तो दर्शकों, शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक ईयर 2023 से 2024 तक आप सभी जानते हैं कि NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पूरे देश में उपलब्ध हैं और फिलहाल आप इन टेक्स्ट बुक्स को खरीद सकते हैं NCERT के अलग अलग सेल्स काउंटर से जो नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप इन टेक्स्ट बुक्स को डाउनलोड
डाउनलोड करना चाहें तो ये पाठ्य पुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हैं ई पाठशाला वेबसाइट से। इसके अतिरिक्त हमारा एक और प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म और एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक ज़रूर नोट डाउन कीजिए। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है www.ncertbooks.ncert.gov.in। और यदि आप अधिकृत विक्रेताओं के बारे में जानना चाहें यानी ऑथराइज्ड वेंडर्स तो भी आप एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट वुड बी www.ncert.nic.in। और एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ उर्दू के इस सत्र में बने रहने के लिए। और दर्शकों आप सब कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक सत्र लेकर। और क्या आप जानते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अमृता एंड वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। सो स्टे ट्यून्ड विद एनसीईआरटी एंड कीप वॉचिंग विद देयर चैनल्स बिकॉज वी विल बी राइट बैक विद इन फ्यू मिनट्स। आदाब।